हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को भी कर सके। दोस्तों, क्लास आप लोग रोजाना कीजिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि यह क्लास आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को। इसमें हमारा पहला पॉइंट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो पूछ कह रहा है हमारा पॉइंट्स क्या है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का पहला प्रयास कब किया गया था। तो वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था, पी मित्रा। अनुशीलन समिति का संस्थापक पी मित्रा, प्रथम नाथ मिश्रा। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन निष्क्रय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अरविंद घोष ने निष्क्रय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी। गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है पॉइंट्स हमारा लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो रामप्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में फांसी पर चढ़ा दिया। आगे देखते हैं काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ। तो वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था। मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास। वह महिला क्रांतिकारी थी जिसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। चटगांव शास्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था। तो सूर्य सेन ने चटगांव शास्त्रागार पर धावा आयोजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अशफाक
उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस जो थे वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम उम्र में आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने किया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। आगे देखते हैं। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में जतीन दास आरोप में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतीन दास की। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले जतीन दास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन जिसमें संगठन है, स्थापना वर्ष है और संस्थापक है। ठीक है, तो संगठन में मित्र मेला वर्ष 1903, संस्थापक है विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी वर्ष 1904, संस्थापक है अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1904, इसके संस्थापक है पी मित्रा व पुलिन दास। नेक्स्ट है अभिनव भारत समाज वर्ष 1904, संस्थापक है वीडी सावरकर। आगे अनुशीलन समिति वर्ष 1907, संस्थापक है वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस। आगे है युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन 1907, वी के घोष, भूपेंद्र दत्त, सरदार अजीत सिंह। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वर्ष 1924, संस्थापक है शाचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। आगे है नौजवान सभा वर्ष 1926, संस्थापक है भगत सिंह। अगला है हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन वर्ष 1928 में, और इसके संस्थापक है चंद्रशेखर आज़ाद। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वर्ष 1928 और संस्थापक इसके चंद्रशेखर आज़ाद है। इस तरीके से हम लोगों ने अभी जाना भारतीय प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में। चलिए अब आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है जियात रंग आंदोलन को रानी गॉडिनलियो ने आरंभ किया था। ठीक है, तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था।
तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने भारत के में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल AV Academy आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल की क्लास में हम लोग भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।